बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र के राजलवता पंचायत में चारागाह भूमि में हो रहे अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सरपंच रामस्वरूप बिल्डर के नेतृत्व में ग्रामीण नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। सरपंच ने बताया ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण को लेकर एसडीएम व तहसीलदार को अवगत करवा दिया गया था, लेकिन फिर भी सीमा ज्ञान नहीं किया गया, ना ही अतिक्रमण को रोकने का प्रयास किया गया। चारागाह भूमि पर अनिल मित्तल द्वारा धड़ल्ले से अवैध निर्माण व अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की है। चारागाह भूमि का मामला है जो सच ग्राम सचिव द्वारा और मेरे द्वारा मैंने शुक्रवार के दिन उपखंड अधिकारी नैनवा को और तहसीलदार जी नैनवा को अवगत करवा दिया गया है। उसके बावजूद भी सीमा ज्ञान नहीं हुआ है और फॉर्मेलिटी तौर पर पटवारी जाकर न तो उन अतिक्रमण को रोका गया है। अधिकारियों की भूमाफियाओं से मिलीभगत है क्या? अब ये मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं रोका जा रहा है। फिर अवैध निर्माण हो रहा है वहाँ, अवैध निर्माण हो रहा है और हमारी चारागाह भूमि के पंचायत ने आइडेंटिफाई किया है कि कहाँ कहाँ हो रहा है अतिक्रमण। हाँ, हो रहा है ना, अभी काम कार्य चल रहा है। कौन कौन सी जगह हो रहा है? अनिल मित्तल कार्य चला रखा है, चारागाह में है, चारागाह में है, जिसका सीमा ज्ञान करवा के डोर लगवाया जाए। जे न्यूज़ के लिए बूंदी से हनुमान गौड़ की रिपोर्ट।